हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू मैथ क्लास, क्लास फोर्थ, यूनिट है जी 13 का चेक योर सेल्फ। क्वेश्चन नंबर 1, फिल इन द ब्लैंक्स। स्टूडेंट आप जो आपने 12 एक्सरसाइज में और 13 एक्सरसाइज में जो भी क्वेश्चन किए उन्हीं से ये क्वेश्चन लिए गए हैं, ठीक है जी। तो आप इनकी हिंदी अच्छी तरह समझ लीजिए और इन्हें फिल कर दीजिए। All the fraction having the same denominator is called the fraction. ऐसी fraction जिनके denominator एक जैसे होते हैं, same होते हैं, तो वे कौन सी fraction कहलाती है ना। तो स्टूडेंट आप जानते हो ये like fraction कहलाती है, L-I-K-E, like. If the numerator is a fraction is one, यदि कोई fraction जिसका न्यूमरेटर यानी के अंश वन हो, ऊपर वाले डिजिट वन है, तो वह फ्रैक्शन कहलाएगी। कैसी फ्रैक्शन कहलाएगी? यूनिट फ्रैक्शन। क्वार्टर मेक ए होल, कितने क्वार्टर मिलकर एक होल बनाते हैं। देखिए स्टूडेंट, क्वार्टर का मतलब होता है एक चौथाई। किसी भी चीज के अगर हम चार भाग कर दें, चार भागों में बराबर बांट दें, तो वो एक भाग क्वार्टर कहलाता है। तो कितने क्वार्टर मिलकर एक होल बनाएंगे? तो चार ही मिलकर बनाएंगे ना, फोर। तो फोर क्वार्टर अगर एक साथ मिल जाएंगे तो वन होल बना लेंगे। द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ 15/19 इज, तो अगर हमें किसी को भी सिंपलेस्ट फॉर्म में, स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करना है, तो सबसे पहले उसके न्यूमरेटर में देखता है क्या उसका डेनोमिनेटर आता है। अगर आता है तो वही उसका एचसीएफ होता है, वरना एचसीएफ लेके कर लेते हैं। तो 15 × 15, 15 × 6 = 90, तो हो गया भाई। ए फ्रैक्शन विद ए न्यूमरेटर लेस देन डेनोमिनेटर इज कॉल्ड द फ्रैक्शन। एक ऐसी फ्रैक्शन जिसका न्यूमरेटर कम हो, डेनोमिनेटर से छोटा हो, तो वो फ्रैक्शन कैसी फ्रैक्शन कहलाएगी? तो वो फ्रैक्शन प्रॉपर फ्रैक्शन कहलाएगी, प्रॉपर, PROPER, प्रॉपर फ्रैक्शन। तो स्टूडेंट अब देखिए, राइट ट्रू और फॉल्स फॉर द फॉलोइंग। अब इनमें आपको जो बीच में इनके चिन्ह आ रहे हैं उन्हें आपको बताना है कि ये चिन्ह सही है या गलत है। जैसे इसमें इक्वल है, तो अगर ये इक्वल है दोनों, तो आपको देख लेना हाँ भाई इक्वल है। तो सबसे पहले हम देखेंगे लाइक फ्रैक्शन है, लाइक फ्रैक्शन है, फिर इसके होल खोलेंगे। 7 × 14 = 1 15 15/2 15/2 दोनों इक्वल है तो ये ट्रू है। अब स्टूडेंट 2/5 और 1/4, इसमें 2/5 बड़ी है ना, ये कह रहा है। तो कैसे पता चले कि 2/5 बड़ी है? अगर हम इन दोनों का एलसीएम ले ले, 20 आ जाएगा, 4 × 5 = 20, और 5 से इसे काट देंगे 4 आ जाएगा, और मल्टीप्लाई 2, और 4 से इसे काट देंगे 5 × 4, तो 4 × 2 = 8/20 आ जी। फाइव अपॉन ट्वेंटी, तो आप देख सकते हैं कि जो 8/20 और 5/20 में लाइक फ्रैक्शन करने पर पहले वाली जो फ्रैक्शन है वो बढ़िया है। इसने भी कहा यही बड़ी है, तो ये ट्रू हो गया। तो जी 1/16 है, 2/32 है, तो हम इसे भी लोएस्ट फॉर्म में बदल लेंगे। तो 2 × 2 और 2 से 32 को डिवाइड करेंगे तो 16 ही आ जाएगा, तो ये भी ट्रू है। ओके स्टूडेंट, अब देखिए लाइक फ्रैक्शन है, अब इसमें 5 होल है, इसमें 4 होल है, तो 5 होल जिसमें होल अधिक होंगे वही बड़ी होगी। इक्वल का मतलब तो दोनों संख्या एक जैसी थी, होनी थी है ना, लेकिन नहीं हुई। 5 होल बड़ा है तो ये 4 सी है, ठीक है जी। अब है जी मैचिंग, इन्हें मैच करना है।
तो स्टूडेंट देखिए हम 9 की मल्टीप्लाई 1 में कर लेंगे, इनके एलसीएम लेंगे फिर डिवाइड करेंगे, इतना टाइम किसके पास है, है ना, तो शॉर्ट फॉर्म अपनाएंगे, 9 × 9। अब 9 में से 7 माइनस कर दीजिए तो क्या आ गया 2, तो ये रहा जी 2/9, है ना। अब इसे 4 × 3 = 12, 12 × 1 = 13, है जी 14, 4 × 4, 13 में से 4 गए 9, तो 9/4, समझ रहे हैं ना कैसे हुआ भाई, इसका होल खोल लिए और इस 4 की मल्टीप्लाई इसमें कर दी, तो इसमें से इसे माइनस कर दिया डायरेक्ट, ठीक है। अब 7 × 9 = 63 और 8 = 71, 71/9। अब देखिए 4 × 4 = 5, 5/4। अब स्टूडेंट एक ही रहेगा, ये सेम मिलेगा, है ना, तो हम इसे 9 से डिवाइड कर देंगे, 9 × 3 = 27 और 9 × 1 = 9, 9 × 1 = 9, 11 टाइम हो गया, तो ये हो गई जी आपकी मैचिंग, ठीक है। अगर आपसे ऐसे नहीं हो रही मैचिंग जैसे हमने ये की ऐसे, तो आप इसके नीचे वन मान के इनके एलसीएम लेकर काट के जैसे क्वेश्चन करते हैं ऐसे सोल्व कर लीजिएगा, ठीक है जी, वरना तो एक दो बार रिपीट करके देख लीजिए, आपको समझ में आ ही जाएगा। अब है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मिक्स्ड फ्रैक्शन, इसमें मिक्स्ड फ्रैक्शन कौन सी है ये बताना स्टूडेंट। आप जानते हैं जिसमें इंटीग्रल पार्ट होता है या होल होता है वही मिक्स्ड फ्रैक्शन होती है, तो इसमें ही होल है और किसी में नहीं है। व्हाट इज द फ्रैक्शन ऑफ द लेटर आर द वोवेल एंड द वर्ड्स, तो जो ये वर्ड्स दिया गया है भाई, जो ये वर्ड्स दिया गया है, क्या वर्ड्स दिया गया है, अम्ब्रेला, इसमें वोवेल्स की और कॉन्सोनेंट की फ्रैक्शन बतानी है ना, वोवेल्स के अनुसार फ्रैक्शन बतानी है, वोवेल्स के अनुसार पूछ रहा तो वोवेल्स ऊपर आ जाएंगे और जो कॉन्सोनेंट है वे नीचे चले जाएंगे। तो देखिए स्टूडेंट पहले काउंट कीजिए कितने हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, टोटल कितने हैं जी 8 है टोटल। अब इनमें देख लीजिए आप वोवेल्स कौन कौन से होते हैं, वोवेल्स कौन से होते हैं, ए ई आई ओ यू, 5 वोवेल्स होते हैं, है ना, तो आप देखो 8 वोवेल्स, एम वोवेल्स नहीं होता, बी नहीं होता, आर नहीं होता, 2 वोवेल्स, ई भी होता है, एल नहीं होता, एल नहीं होता, ए भी होता है ना, तो 1, 2, 3 वोवेल्स हो गए, तो 3/8 आंसर आना चाहिए, ये राजित 3/8 सेकंड वाला। द फ्रैक्शन इक्विवेलेंट टू 4/7, 4/7 के इक्विवेलेंट कौन सी फ्रैक्शन है, तो स्टूडेंट सबसे पहले हम ये देख लेंगे भाई कौन सी ऐसी फ्रैक्शन है जो कटती हो, है ना, जो हार्ड से लगेगी उसे बाद में देख लेंगे, और जो इसके इक्विवेलेंट आ जाएगी वही आंसर होगा। अगर हम इसे 40 और 70 है, अगर हम इसे 10 से डिवाइड करें तो यानी कि स्टूडेंट इसकी 0 तो 0 कट गई, तो क्या रहेगा 4/7 और ये भी 4/7 है, तो यही है, है ना, और हार्ड वाले को देखने की आवश्यकता ही नहीं है, ना तो इन सबका एलसीएम लो, एलसीएम लेके फिर इन्हें डिवाइड करो और जो 1/4 जिसका आंसर 1/4 आ जाए वही है जी, ठीक है स्टूडेंट। अब डी वाला एक मिनट के लिए छोड़ रहे हैं, पहले ई वाला करा रहे हैं। सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ द 98/28, 98/28 ये तो होने का ही नहीं है ना, अगर हम देखें किसकी डिवाइड किसकी मल्टीप्लाई 2 में करके 24 आवे, तो 14 क्या आवे, लेकिन 9 जा
98 नहीं होने के, होने का नहीं तो छोड़ दीजिए। अब 14 टू जा 28 और 7 जा 98, तो ये इसके ही होगा। तो क्योंकि 1 तो हो ही नहीं सकता, 1 तब होता जब इससे पूरा डिवाइड हो जाता, तो 7/2 आ गया। अब क्वेश्चन नंबर डी, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द ग्रेटेस्ट, इनमें कौन सी ग्रेटेस्ट है। तो स्टूडेंट ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं दिया इन्होंने दोनों एक्सरसाइज में 12 और 3 में, जो इस तरह का क्वेश्चन है ना, नहीं इन्होंने असेंडिंग डिसेंडिंग दी इनके फ्रैक्शन के, वे भी छोड़ दिए। तो स्टूडेंट हम क्या करेंगे, इन्हें हमें इन सबको इक्वल करना होगा, है ना, इन सबका मैं एलसीएम लेना होगा। एलसीएम हम आपको इधर बराबर में लेके समझा देते हैं, तो आप ध्यान से समझ लीजिएगा। देखिए तो हम इनका एलसीएम ले लेंगे, 6 का 7 का 8 का और 3 का, इन सबका एलसीएम ले लो, उसे डिवाइड कर देंगे, 3 आएगा, 7 का सेम रहेगा 4 और 3, फिर 2 से कर देंगे 3 7 2 3, फिर 2 से कर देंगे 3 7 1 3, अब 3 से कर लेंगे 1 7 1 1, अब 7 से कर लेंगे 1 1 1 1। तो स्टूडेंट अब इनका एलसीएम देख लो, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 3 जा 24, और 24 और 7 जा 24 7 जा 7 4 जा 28, कैरी 2 और 7 2 जा 14 और 2 16, तो क्या एलसीएम आगा, 168 एलसीएम आगा जी, 168 एलसीएम आगा। अब इस 6 से ऐसा डिवाइड कर देंगे, ठीक है, 6 1 जा 6 6 2 जा 12, 6 3 जा 6 2 जा 12, और बच के 4 ब्रिंग डाउन कर लिया 8, और जी 6 6 8 जा 48, और मल्टीप्लाई क्या है 5। अब 7 से करेंगे, 7 2 जा 14, बच के 2 ब्रिंग डाउन कर लिए 7 4 जा 28, और डिवाइड बाई डिवाइड नहीं मल्टीप्लाई 6। अब 8 से करेंगे, 8 2 जा 16, और 8 1 जा 8, और मल्टीप्लाई 7 हाँ जी। अब 3 से करेंगे, 3 5 जा 15, और 3 6 जा 18, और मल्टीप्लाई 2, ये आ गया जी। अगर हम 28 और 5 की मल्टीप्लाई करें तो आंसर आ जाएगा 5 8 जा 40, और 5 2 जा 10, और 4 14 168 आ गया, 6 4 जा 24, 2 12, और 2 14, 68 आ गया जी। अब 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, है ना, अब 6 2 जा 12, कैरी 1 5 2 जा 10, और 1 11, तो ये आ गया, सबके इक्वल हो गए। अब देखो 147 इनमें सबसे बड़ा है, तो 3 नंबर का बड़ा है, तो 3 वाली पे हम राइट का निशान लगा दें, ठीक है जी। तो ये वाली 7/8 सबसे बड़ी है, इनमें ग्रेटेस्ट है, सबसे बड़ी है, तो इसे सोल्व करके ही देखना पड़ेगा, बिना सोल्व करे या क्वेश्चन नहीं होगा। ओके स्टूडेंट, तो आपकी जो यूनिट फ्रैक्शन वाली जो आपका टॉपिक था वो खत्म हो गया, फ्रैक्शन के यूनिट में 12 और 13 ही 2 एक्सरसाइज थी, है ना। तो स्टूडेंट इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट भी करें।
अगर आपको पसंद आता है तो नाइस, गुड, बेस्ट कुछ तो लिखिए, है नहीं? थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।